गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम फिर से क्लॉक के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में बेटा हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस किए थे, होप सो आपको बेटा आए होंगे क्वेश्चन समझ में। सो आज बेटा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनकरेक्ट क्लॉक और फॉल्टी क्लॉक का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने राइट किए हुए हैं, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बेटा हम इनकरेक्ट क्लॉक के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, इन 16 मिनट द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आवर एंड वाई। बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, एंगल के रिस्पेक्ट में बेटा मिनट हैंड का गेन कितना था बेटा, मिनट एंड कितना गेन था बेटा मिनट एंड का आवर एंड के रिस्पेक्ट में, 5.5 डिग्री। कितने का था बेटा, 5.5 डिग्री का था बेटा। सो यहाँ पे कितने मिनट गिवन है बेटा, 16 मिनट। ये तो था बेटा 1 मिनट का गेन था, तो 16 मिनट का क्या हो जाएगा बेटा, 16 × 5.5 डिग्री। सो टोटल कितना है डिग्री एंगल हो जाएगा बेटा, 88 डिग्री एंगल। कितना एंगल होगा बेटा, 88 डिग्री एंगल। सो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक, इफ द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स बाय 18 डिग्री। अब जो आवर एंड बेटा कितना मूव्स कर रही है, आवर एंड मूव्स 18 डिग्री। अब 18 डिग्री का मूवमेंट कितने मिनट में होगा बेटा, हमने पढ़ा था बेटा 1 मिनट एंगल इक्वल 1/2 डिग्री। आवर एंड का बेटा 1 मिनट का एंगल कितना था, 1/2 डिग्री। तो कितने मिनट लगेंगे बेटा 18 डिग्री मूवमेंट के लिए, 36 मिनट। कितने मिनट यूज होंगे बेटा, 36 मिनट में कितना डिग्री मूव होगा बेटा आवर एंड का, 18 डिग्री। अब हमारे पास कौन क्या पूछा हुआ बेटा क्वेश्चन में, देन हाउ मेनी डिग्रीज दस डी मिनट हैंड मूव ड्यूरिंग। अब मिनट हैंड का ड्यूरेशन पूछा हुआ बेटा, 36 मिनट में बेटा मिनट हैंड कितना मूव करेगी। तो मिनट हैंड का 1 मिनट का बेटा एंगल कितना था, मिनट हैंड 1 मिनट इक्वल कितना एंगल था बेटा, 6 डिग्री। सो हमारे पास आवर हैंड ने कितना मूव किया, 36 मिनट। तो सेम बेटा मिनट हैंड ने भी 36 मिनट मूव किया, तो वो पूछा हुआ हमारे पास। सो 36 मिनट का एंगल कितना होगा बेटा, 6 × 36। सो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 216। तो क्या हो जाएगा बेटा, 216। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स ऑफ ए 3 मिनट्स अपार्ट। अब देखो बेटा दोनों हैंड कितने मिनट्स अपार्ट हैं, आपस में 3 मिनट्स अपार्ट है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लर्न किया था बेटा, टाइम मिनट मिनट अपॉन में बेटा 11, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिनट है, टोटल मिनट कितने होंगे बेटा, 5 पे कितने मिनट होते हैं, 25। अब हमारे पास 3 मिनट्स अपार्ट दे रखा, तो क्या करेंगे बेटा, प्लस माइनस 3 करेंगे, तो मिनट कितने हो जाएंगे बेटा, 28 और 22। ये हो जाएंगे। अब कैलकुलेट करो टाइम कितना बेटा, 5, मिनट कितने हैं, 28 अपॉन 11, एंड सेकेंड वन है बेटा 5 22 अपॉन 11। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 36 अपॉन 11, एंड ये आ जाएगा बेटा 5 24। ये आ जाएगा 5:24। अब हमारे पास ऑप्शन में कौन सा गिवन है बेटा, 24 मिनट्स गिवन है। ऑप्शन में कौन सा गिवन है, 24 मिनट्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनट्स डज ए वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट। अब कितना लूज और ये करेगा बेटा, उसके लिए अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, 55 मिनट गेन इन 60 मिनट। ये 60 मिनट का गेन है बेटा। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, इन 60 मिनट। सो 1 मिनट का गेन कितना था बेटा, 60 अपॉन में बेटा कितना करेंगे, 55, ठीक है।
अब अगर हमें 60 मिनट का 1 आवर का गेन निकालना है या लॉस निकालना है, तो 1 60 मिनट गेन क्या हो जाएगा बेटा, 60/55 इंटू में हो जाएगा बेटा 60, तो ये आ जाता है बेटा हमारे पास 65/5/11 मिनट। सो जो मिनट एंड है बेटा वो आवर एंड से कितने आगे रहती है बेटा, 65/5/11 मिनट्स, ये होता बेटा गेन। अब हमारे पास पूछा हुआ बेटा एवरी 64 मिनट्स, अब 64 मिनट्स में कितना गेन होगा, तो वो करेंगे बेटा। तो ये 60 मिनट का है तो क्या करेंगे, देखो बेटा 64 मिनट्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 64 मिनट का गेन, तो क्या कर देते हैं बेटा 65/5/11 में से क्या करेंगे, 64 को माइनस कर लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे 65/5/11 में से किसको माइनस कर लेंगे बेटा, 64 को माइनस कर लेंगे तो क्या बच गया बेटा 5/5/11 मिनट। ये तो था बेटा 64 मिनट का। अब अगर हम बेटा 24 आवर्स में निकालें इसको, कितने में निकालें बेटा 24 आवर्स में निकालें, तो कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा बेटा 60/11 इंटू में बेटा क्या करेंगे 24 आवर्स करेंगे, तो 24 आवर क्या हो जाएगा बेटा 24 इंटू 60/ में बेटा 64 जो मिनट होता है, तो वो कर लेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है बेटा 32/8/11। सो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती बेटा इसमें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। अब इसके लिए एक शॉर्टकट सीखेंगे बेटा, शॉर्टकट क्या है हमारे पास, शॉर्टकट में बेटा एक फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला सिंपल सा है 720/11 माइनस एक्स इंटू में करेंगे बेटा 60/24 एंड डिवाइड बाय एक्स। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम 7। अब यहाँ पे बेटा एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 64 मिनट, तो ये इजी हो जाएगा बेटा सॉल्व करने के लिए। अगर क्या होता बेटा मिनट हैंड आवर एंड से कितने मिनट को इनसाइड है, उसके लिए बेटा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये है बेटा एक्स मिनट को इनसाइड के लिए फॉर्मूला है, एक्स मिनट्स को इनसाइड के लिए बेटा फॉर्मूला है, कितना ओवरटेक करेगी मिनट एंड आवर एंड को 720/11 माइनस एक्स इंटू में 60/24/x। सो अगर इससे सॉल्व करेंगे तो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होगा हमारे पास, मेथड थोड़ा सा इजी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ए वॉच, अब ये देखो बेटा इनकरेक्ट क्लॉक का आ गया क्वेश्चन, ए वॉच इज 1 मिनट स्लो एट 1 PM ऑन ट्यूजडे एंड 2 मिनट फास्ट एट 1 PM ऑन थर्सडे। बेटा सबसे पहले बेटा टोटल गेन कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा हम टोटल गेन। अब टोटल गेन कितना हो गया बेटा इसमें 1 प्लस 2 तो कितना हो गया बेटा 3 मिनट का गेन हो गया टोटल। टोटल कितना गेन हो गया बेटा 3 मिनट्स का। अब टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे बेटा हम, टाइम ड्यूरेशन है बेटा ट्यूजडे से थर्सडे तक का टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा 48 आवर्स का। टोटल टाइम ड्यूरेशन इक्वल 48 आवर्स, कितना हो जाएगा बेटा 48 आवर्स हो जाएगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन इक्वल 48 आवर्स। सो अगर हम बेटा 1 मिनट का ड्यूरेशन निकालें, सो 1 मिनट कितने आवर्स में गेन होगा 48/3 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा 16 आवर्स, कितना टाइम आ जाएगा बेटा 16 आवर्स। सो करेक्ट टाइम क्या होगा बेटा 1 PM है, तो 1 PM में बेटा 16 आवर ऐड करेंगे, 1 PM प्लस 16 आवर्स ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5 AM। और टाइम था बेटा हमारे पे ट्यूजडे से क्या हो जाएगा 1 PM ट्यूजडे था बेटा, उसमें 16 आवर ऐड किए तो क्या आया 5 AM वेडनेसडे। सो क्या आंसर आया बेटा 5 AM वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ए क्लॉक बिकम्स 15 मिनट, ए क्लॉक बिकम्स 15 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर्स।
अब क्या गिवन है बेटा, एक क्लॉक है और वो कितने मिनट फास्ट है बेटा, 15 मिनट फास्ट है, कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। सो 15 मिनट फास्ट इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में कितने मिनट फास्ट है बेटा, 15। सो अगर हम 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में कितनी फास्ट हो जाएगी बेटा, 15 अपॉन 24, इतने मिनट फास्ट हो जाएगी बेटा। इसको कैलकुलेशन बेटा मिनट में ही करेंगे तो इतना फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ इट इज मेड करेक्ट एट 12 o'clock नून, देन व्हाट टाइम विल शो 4 o'clock दी इन द मॉर्निंग। तो बेटा टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा बेटा, टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 16 आवर। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितने का बेटा, यहाँ पे 16 आवर्स का। सो 1 आवर में कितनी फास्ट है बेटा, 15 अपॉन 24। सो 16 आवर्स में कितनी फास्ट हो जाएगी बेटा, 15 अपॉन 24 इंटू 16। सो कितना आ जाता बेटा, ये आ जाता हमारे पास 10 मिनट्स। ये कितना आ जाता बेटा, 10 मिनट। सो हमारे पास करेक्ट टाइम क्या होगा बेटा, 4:10। क्या होगा बेटा, 4:10। सो इस तरीके से बेटा फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं फॉल्टी क्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, द क्लॉक लूजेस 16 मिनट इन 24 आवर्स। अब क्लॉक क्या हो रही है बेटा, लूज कर रही कितना, 16 मिनट। व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक 10 PM ऑन 3rd day। सो सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन, सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टोटल टाइम ड्यूरेशन इक्वल, टोटल टाइम ड्यूरेशन इक्वल कब था बेटा, 5 AM से और 10 PM 3rd day, 5 AM टू 10 PM 3rd day। तो टोटल ड्यूरेशन कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ तक कितने आवर्स का हो जाएगा बेटा, 89 आवर्स का टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा, टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा 89 आवर्स का। अब हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा, 16 मिनट लूज कर रही है, क्या कर रही है बेटा, 16 मिनट लूज कर रही है 24 आवर्स में। तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा 23:44 आवर्स इनकरेक्ट क्लॉक इक्वल 24 आवर्स करेक्ट क्लॉक, 24 आवर्स करेक्ट क्लॉक, ठीक है बेटा। अब आगे इसको सॉल्व करो, 44 मिनट्स को बेटा कन्वर्ट करेंगे, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे टोटली, तो कितना आ जाएगा बेटा, 23, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा 44/60 आवर्स, मिनट को आवर्स में चेंज कर दिया, इनकरेक्ट क्लॉक इक्वल 24 आवर्स इनकरेक्ट क्लॉक। अब अगर इसको सॉल्व करते बेटा इस पूरे को, तो क्या आ जाता बेटा, 356/15 आवर्स इनकरेक्ट क्लॉक इक्वल 24 आवर्स करेक्ट क्लॉक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आवर की करेक्ट क्लॉक क्या आएगी बेटा, 1 आवर करेक्ट क्लॉक अगर हम निकालना चाहे तो क्या होगा, 24/15 में बेटा क्या जाएगा, 356, ठीक है। अब इनकरेक्ट टाइम का ड्यूरेशन कितना बेटा, यहाँ पे 89 आवर्स का ड्यूरेशन है, तो अगर क्या होगा बेटा, इन 89 आवर्स में कितना हो जाएगा बेटा, 89 आवर्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो कितना हो जाएगा, 24/15 में बेटा 356 इंटू में 89, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल टाइम ड्यूरेशन आता बेटा हमारे पास 90 आवर्स का, टोटल टाइम ड्यूरेशन आता बेटा 90 आवर्स का। तो देखो बेटा यहाँ पे 10 PM हो रहा, तो 10 PM अगर उस दिन के 10 PM में बेटा 90 आवर ऐड करें तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल इज 11 PM आ जाएगा। अगर 90 आवर्स ऐड कर दें तो क्या आ जाता है बेटा, 11 PM। तो कितने का लूज हो रही है बेटा, 1 आवर लूज हो रही है 3rd day पे बेटा, 1 आवर लूज हो रही, कितना लूज हो रही बेटा 3rd day पे, 1 आवर, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए क्लॉक इज सेट एट 8 AM
द क्लॉक गेन्स 10 मिनट. अब क्लॉक कितना गेन कर रही है बेटा, यहाँ पे 10 मिनट्स का गेन कर रही है. सो सबसे पहले इन 24 आवर्स व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे. सबसे पहले बेटा टोटल टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे. टोटल टाइम ड्यूरेशन कितने आवर्स का ड्यूरेशन होगा, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया बेटा 8 AM टू 1 PM नेक्स्ट डे. फॉलोइंग डे मीन्स बेटा नेक्स्ट डे. तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल हो जाएगा बेटा यहाँ पे 29 आवर्स का. कितना हो जाएगा बेटा 29 आवर्स का. अब हमारे पास क्या गिवन है बेटा, 10 मिनट्स का गेन है. तो क्या हो जाएगा बेटा 24 10 आवर्स इनकरेक्ट क्लॉक इक्वल 24 आवर्स करेक्ट क्लॉक, 24 आवर्स करेक्ट क्लॉक. ठीक है बेटा, ठीक है. अब इसको भी 10 मिनट्स को भी आवर में चेंज कर लो तो 24 10/60 हो जाएगा बेटा ये आवर्स में. इनकरेक्ट क्लॉक इक्वल 24 आवर्स करेक्ट क्लॉक. अब इसको अगर हम सॉल्व कर लो 1/6 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा बेटा 145/6 आवर्स इनकरेक्ट क्लॉक इक्वल हो जाएगा बेटा 24 आवर्स की इनकरेक्ट क्लॉक. सो देखो बेटा 1 आवर्स में कितना आ जाएगा, 1 आवर्स की इनकरेक्ट निकालेंगे तो 1 आवर्स की कितनी हो जाएगी बेटा 24 × 6/145. अब टोटल हमारे पास कितना है बेटा 29 आवर्स का. सो 29 आवर्स के लिए कैसे करेंगे बेटा, इसको करेंगे 24 × 6 × 29/145. अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, इस टोटल वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आती है बेटा 28 आवर्स 48 मिनट. अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा 28 आवर्स 48 मिनट्स. ठीक है बेटा 28 आवर्स 48 मिनट. सो कितना टाइम होगा बेटा, अगर हम 8 AM में बेटा 20 आवर्स 48 मिनट ऐड कर लेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास 12:48 PM. क्या हो जाएगा बेटा 12:48 PM. सो ये दो क्वेश्चन किस पे थे बेटा, एक में लूज हो रहा था एक में गेन हो रहा था. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं बेटा. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द मिनट हैंड ओवरटेक्स. अब ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था बेटा, मिनट हैंड क्या कर रही बेटा, ओवरटेक कर रही. तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा 720/11 - x और इंटू में करेंगे बेटा 60 × 24/x. सो इतने मिनट का होगा. अगर बेटा साइन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, गेन होगा. अगर साइन नेगेटिव होगा तो बेटा क्या होगा, लूज होगा. लूज मीन्स स्लो, गेन मीन्स बेटा फास्ट. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है बेटा 63 मिनट. x की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 63 मिनट. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 56 8/77. तो पॉजिटिव में आ रहा तो इसका मीन क्या हो गया बेटा, गेन. और कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन नंबर बी. कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 2 मिनट स्लो एट नून ऑन मंडे एंड 4 minutes 48 seconds फास्ट एट 2 PM ऑन फॉलोइंग मंडे. सो सबसे पहले बेटा टोटल टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे. टोटल टाइम ड्यूरेशन, सो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा बेटा इसमें देखो, नून मंडे से 2 PM फॉलोइंग मंडे. तो टोटल टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा बेटा 1 week and 2 hours का. तो 1 week में क्या हो गया बेटा, 7 days हो गए. तो टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 170 आवर्स. कितने आवर्स हो जाएंगे बेटा, 170 आवर्स. अब हम निकालेंगे बेटा कितना गेन हो रहा है. सबसे पहले निकालेंगे बेटा 2 मिनट ओवरऑल गेन की बात करें बेटा, 2 + 4 minutes 48 seconds. ठीक है बेटा. अब 48 सेकेंड को भी कन्वर्ट करेंगे मिनट में बेटा, तो 2 + हो जाएगा 4,
48 को लिखेंगे बेटा 48/60। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4/5। तो इसको लिखेंगे 2+4, 4/5। सो अगर इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 34/5 मिनट्स। कितने का गेन हो रहा बेटा, 34/5 मिनट्स का गेन हो रहा बेटा। कितने में, 170 आवर्स में। कितने का गेन हो रहा बेटा, 34/5 मिनट का गेन हो रहा बेटा 170 आवर्स में। ठीक है, तो अगर हम बेटा यहाँ पे 1 मिनट का गेन कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 170 × 5/34। अब हमारे पास क्या गिवन है बेटा, 2 मिनट्स का निकालेंगे। अब जो पहले गिवन है बेटा उसका निकालेंगे तो 2 मिनट्स का। सो 1 मिनट के लिए ये है तो 2 मिनट्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 170 × 5 × 2/34। ठीक है, सो कितना आ जाएगा बेटा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे टोटल को तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 days 2 hours 2 days and 2 hours। कितना आ जाएगा बेटा, 2 days and 2 hours। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 days and 2 hours आएगा। तो क्या ऑप्शन होगा बेटा, 2 PM Wednesday बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लॉक विच लूजेज यूनिफॉर्मली 15 मिनट फास्ट एट 9 AM ऑन 3rd December एंड 25 मिनट लेस दी करेक्ट टाइम एट 3 PM ऑन 6 December, एट व्हाट टाइम इट वॉज करेक्ट। सो सबसे पहले बेटा टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो जो टोटल टाइम ड्यूरेशन 3rd December कितने 9 AM से और कहाँ तक बेटा, 6 December 3 PM। ठीक है बेटा, सो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितने का आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 78 आवर्स का आ रहा। कितने आवर्स का है बेटा, टोटल है 78 आवर्स का। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बेटा, गेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा। सो 15 रिलेटिव जो गेन कहते हैं बेटा, 15 + 25, सो टोटल हो जाएगा बेटा हमारे पास 40 मिनट। टोटल कितना हो जाएगा ये, 40 मिनट। ठीक है बेटा, सो 40 मिनट में कितना बेटा, 78 आवर्स। 40 मिनट में कितना बेटा, 78 आवर्स। सो 1 मिनट में कितना हो जाएगा बेटा, 78/40। ठीक है, इतने आवर्स का आ जाएगा। सो अब हमारे पास क्या पूछा बेटा, 15 मिनट्स में। सो 15 मिनट्स में क्या हो जाएगा बेटा, 78/40 × 15 मिनट। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाता हमारे पास 29 आवर्स 15 मिनट। सॉल्व करने पे बेटा ये इतना आएगा हमारे पास 29 आवर्स 15 मिनट। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 PM में अगर बेटा हम ऐड, सॉरी 9 AM में बेटा अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2:15 PM ऑन 4th day 4th December को होगा बेटा, 2:15 PM हो रहा होगा उसमें जो करेक्ट टाइम है। सो होप सो बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन आए होंगे। इसी तरीके से बेटा आपने क्लॉक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, कैसे हम इनकरेक्ट क्लॉक के क्वेश्चन करते हैं।